Hi students, good morning. This is KD sir again from Shivam Education, right? Today we are going to continue with exercise 2.4 of chapter 2 polynomial, right? Now let us start with the question number 1. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. नंबर वन वाला सब ले लेते हैं, राइट? सब p ऑफ x क्या दिया है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पहला वाला ले लेते हैं फॉर वन p ऑफ 1 अपॉन 2, राइट? 2 इंटू 1 अपॉन 2 का क्यूब डाल दीजिए, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर डाल दीजिए, 1 अपॉन 2 डालिए और ये 2, ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 8, 1 अपॉन 4, 5 अपॉन 2 प्लस 2। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 8, राइट? तो अगर हम इसको ये डिवाइड कर दे तो एलसीएम हो जाएगा 4, राइट? तो 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 लाना है, तो इट विल बिकम 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 8 अपॉन 4, राइट? ये क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 8, दैट इज 10 माइनस 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 अपॉन 2 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। ये पहला वाला प्रूव हो गया, राइट? अब सेकंड वाला लेते हैं, फॉर p ऑफ 1 अपॉन फॉर p ऑफ 1, राइट, इज इक्वल टू 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। दिस विल गिव 2 1 माइनस 5 प्लस 2, दिस इज 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, राइट? ये भी प्रूव हो गया। थर्ड ले लेते हैं, फॉर p ऑफ माइनस 2, राइट? यहां पे देखिए 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 प्लस 2। यहां जरा ध्यान देना बच्चे लोग, माइनस 2 कोई भी माइनस नंबर का जब क्यूब होगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो दिस विल बिकम माइनस 8। माइनस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 16। यहां पे माइनस 2 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, राइट? 2 का स्क्वायर कितना है, 4, तो दिस विल बिकम प्लस 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10, दिस इज प्लस 2, दैट इज वापस देखिए 16 माइनस 16, दैट इज 0। देयरफॉर 2 इज ऑल्सो, माइनस 2 इज ऑल्सो 0 ऑफ p ऑफ x, राइट? ये हमने पूरी प्रूव कर दिया है। अभी हमको खाली वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे, राइट? नाउ कंपेयरिंग 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके साथ कंपेयर करना है, राइट? तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 5 एंड d इज इक्वल टू 2। ये हमको याद रखना है, राइट? नाउ अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए, और अल्फा क्या लेंगे, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 1 अपॉन 2, बीटा क्या दिया है 1, और गामा क्या दिया है माइनस 2, राइट? तो सबसे पहले सम ले लेते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 क्या आएगा, 1 प्लस 2 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 3 माइनस 4, दैट इज माइनस 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 2, राइट? माइनस 1 अपॉन 2 आया। लेकिन अगर हम ये देखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस
माइनस बी अपॉन ए। अगर माइनस बी अपॉन ए देखे तो क्या आएगा, देखिए बी माइनस वन अपॉन टू, दोनों सेम आ रहा है, इज इट राइट? तो दिस इज द सम ऑफ द जीरोस आर वेरीफाइड। नाउ सेकंड वाला क्या है, सम ऑफ द पेयर्स ऑफ द जीरोस, दैट इज सम ऑफ द पेयर्स ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, राइट? चलो अल्फा बीटा कितना है, वन अपॉन टू वन, बीटा गामा वन माइनस टू और माइनस टू और वन अपॉन टू, राइट? दिस विल गिव वन अपॉन टू माइनस टू, ये कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, दिस विल गिव वन अपॉन वन माइनस फोर माइनस टू अपॉन टू, कितना आएगा माइनस सिक्स, मतलब माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव अपॉन टू। लेकिन अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा अगर आपको मालूम है तो पेयर्स ऑफ इसमें क्या है, सी अपॉन ए, राइट? तो अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कितना है सी अपॉन ए, क्या आएगा माइनस फाइव अपॉन टू, ये भी वेरीफाइड हो गया, राइट? तो अब रहा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा दैट इज वन अपॉन टू वन माइनस टू, कट हो जाएगा दैट इज माइनस वन, और यहां एज पर द फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, राइट? तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए दैट इज टू अपॉन टू माइनस वन, देयरफॉर ऑल द जीरोस आर वेरीफाइड। आपको इधर लिख देने का, ऑल द जीरोस, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आर वेरीफाइड। ओके, दिस इज द सम, समझ पड़ रहा आपको? पहले आपको क्या करना है, ये सब करना है, उसके बाद आपको ये जीरोस फाइंड करना है, तीनों अगर परफेक्ट जीरोस आते हैं तो हमको क्या करना है, सम के साथ वेरीफाई करना है, सम ऑफ पेयर के साथ वेरीफाई करना है और प्रोडक्ट के साथ वेरीफाई करना है। अगर वो तीनों सही आते हैं तो इट इज वेरीफाइड लिख देना है। ओके, चलो डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। और नेक्स्ट सम इज एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। सबसे पहले क्या करने का सर, पी ऑफ एक्स लिखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब फोर एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस टू। पहले पी ऑफ टू के लिए लिखे, पी ऑफ टू क्या आएगा, टू का क्यूब फोर, टू का स्क्वायर फाइव, टू माइनस टू एट, टू टू जो फोर फोर है सिक्सटीन, टेन माइनस टू एटीन माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो। तो टू इज द जीरो ऑफ, टू इज द जीरो ऑफ P of x, ये लिख दिया। नाउ फॉर P of 1, ये क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस 2, राइट? दिस विल गिव 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पे दो बार 1 दिया है, राइट? तो ये दोनों वन तो प्रूव हो गया है, अगर आप वन जीरो आता है तो दूसरा भी वन ही जीरो आने वाला है। देयरफॉर वन इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट? नाउ यहां लिखते हैं, नाउ कंपेयरिंग विथ, राइट, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 कंपेयरिंग विथ, राइट, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे कंपेयर करते हैं। a क्या आएगा सर, a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा, c इज इक्वल टू 5 आएगा और d इज इक्वल टू माइनस 2, राइट? अब एक एक करके हमको जीरोस वेरीफाई करना है। सबसे पहले, राइट, फर्स्ट वन, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा। यहाँ पे पहले ये भी लिख दीजिए, अल्फा कितना है, अल्फा दिया है माइनस अल्फा टू बीटा वन एंड गामा और इक्वल टू वन, ये भी लिखना है, राइट? अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, टू प्लस वन
प्लस वन कितना आएगा, फोर आया, राइट। लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, देखिए तो माइनस बी अपॉन ए, तो दिस इज माइनस माइनस फोर अपॉन ए कितना है वन, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस फोर, राइट। देयर फॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, पहला वाला वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल, राइट। तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट सिमिलरली सेकेंड वन, सम ऑफ पेयर्स, सम ऑफ पेयर्स में क्या करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। अल्फा बीटा क्या था देखिए, वन और माइनस फोर, प्लस माइनस फोर और वन, नहीं ये है ना अल्फा बीटा बीटा गामा है ना, तो अल्फा एरिया टू वन 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 और टू वन, कितना आएगा टू प्लस वन प्लस टू, दैट इज फाइव, राइट। अब अल्फा बीटा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है माइनस सी अपॉन ए, राइट। सी अपॉन ए अगर हम देखते हैं, सी क्या है फाइव और ए क्या है वन, इज इक्वल टू देखिए फाइव। देयरफॉर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेरीफाइड, तीनों सेम आया, दिस इज द थिंग, राइट। अब थर्ड वाला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या हो जाएगा सर, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या लेना है, अल्फा बीटा गामा में टू वन और वन, क्या आएगा, ये आएगा टू, लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, देखिए तो डी क्या लिया था हमने, डी है माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन ए क्या है वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस टू, सेम हो गया। देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, बस ये सब करने के बाद आपको खाली वेरीफाइड करके कंक्लूजन लिख देने का। देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आर वेरीफाइड, दिस इज द सम, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। ये दोनों सम को एक बार पॉज करके खुद करके देखिए, ये सम्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको थ्री मार्क्स में पूछा जा सकता है, राइट। तो प्लीज प्रैक्टिस इट, इसी तरह सम आएगा, अगर आपका ये आइडिया कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टू। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल विद द सम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस इज टू माइनस सेवन माइनस फोर्टीन। तो मतलब देखिए क्या क्या दिया है यार, अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल या तो पी ऑफ एक्स, राइट। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया है, टू दिया है, राइट। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस सेवन दिया है, राइट। एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, दिस इज गिवन, राइट, दिस इज गिवन। नाउ वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ जीरोस, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ हमको ये नाउ फॉर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब,
दैट इज माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब दूसरा है सम ऑफ, यह है ना प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स क्या है, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज सी अपॉन ए, राइट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज माइनस डी अपॉन ए, दिस इज आवर। अब ये चीज को हम कंपेयर करते हैं, चलिए, राइट, कंपेयरिंग विथ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम जो है कंपेयर क्या मिला था, सम इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, करेक्ट। फिर उसके बाद देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया है, माइनस सेवन, तो यहाँ माइनस सेवन लिखता हूँ इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस क्या दिया है हमको, माइनस फोर्टीन, तो माइनस फोर्टीन यहाँ लिखता हूँ, लेकिन एज पर द फॉर्मूला इट इज माइनस डी अपॉन ए, राइट। अब देखिए कंपेयर करते हैं, सपोज ये टू के नीचे डिनोमिनेटर वन है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर वन है, तो देखिए तीनों में ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वन, तो यार ए इज इक्वल टू वन, राइट, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू टू और ये वन हुआ, देयरफॉर माइनस बी इज इक्वल टू टू, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस टू, सेकेंड बॉक्स, आपको तीनों तीन बॉक्स बनाना है, राइट, ये हो गया। फिर उसके बाद आ गया है सी अपॉन है, नाउ सी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना है, माइनस सेवन, राइट, तो माइनस सी अपॉन यहाँ पे तो वन है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेवन, ये भी आपका आ गया है। अब लास्ट कौन सा बाकी है बॉक्स में, डी, तो डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस फोर्टीन, राइट, तो यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए के लिए माइनस फोर्टीन अपॉन वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 14, ए प्लस हो जाएगा। अब देखिए ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस टू, सी इज इक्वल टू 7 और डी इज इक्वल टू 14, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पी ऑफ एक्स वाला जो लिया ना हमने, दिस इज राइट इन 1, यू विल गेट क्या मिलेगा सर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या मिला था हमको, ये तो वन मिला, तो दैट इज एक्स क्यूब हो जाएगा, बी क्या मिला देखिए माइनस टू, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी क्या मिला माइनस, तो माइनस सेवन एक्स हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा 14, दैट इज वन, दिस इज द थिंग, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्या पूछा है उन्होंने, क्यूबिक पॉलीनोमियल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 14, दिस इज योर आंसर, ओके, दिस वे यू टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट सम, एक बार अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक के हर सम्स को 3 times प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके, चलिए नेक्स्ट सम, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, राइट, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस दिया है, ये पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स, तो ए माइनस बी ए ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज किया है और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स होल भी स्मॉल लेटर में होता है, तो यहाँ पे जब ऐसा सब हो तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज कर देना है, राइट, लेट अस सी हाउ, यहाँ पे हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कंपेयरिंग विथ क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह हमको कैपिटल लेटर ले लेने का, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या आएगा सर, वन, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री,
C is equal to 1 and D is equal to 1, right? This is the way we have to do. Now, humko pata hai ke sum of the zeros kya hai? Alpha plus beta plus gamma. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus B upon A. Minus B upon A yahan pe kya aayega bataiye? माइनस बी अपॉन ए, ये वाला हम कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि अभी हमने बोला माइनस बी अपॉन ए, तो दिस वो है माइनस माइनस थ्री अपॉन ए क्या है वन, दैट इज प्लस थ्री, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री हुआ। अब माइनस बी प्लस बी काट देते हैं, थ्री ए इज इक्वल टू थ्री, तो ए इज इक्वल टू वन, पहला वाला आंसर आ गया हमको, राइट। हमको ए और बी ढूंढना है तो हमको तीनों जीरोस यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितने है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, राइट। माइनस डी अपॉन ए क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। लेकिन अल्फा बीटा गामा देखिए, ए माइनस बी, ए ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, लेट अस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन, ए इज इक्वल टू माइनस वन। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ए का वैल्यू दिया हुआ है हमको, राइट। तो ए का वैल्यू दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, ए इज इक्वल टू वन, राइट। ऑलरेडी पुटिंग ए इज इक्वल टू वन, ऐसा लिख दीजिए, पुटिंग ए इज इक्वल टू वन, ये वाला रिजल्ट, राइट। तो ए इज इक्वल टू वन डालेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन इज इक्वल टू माइनस वन, दिस विल गिव वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, ये वहाँ चला जाएगा, दिस इज माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब भी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आएगा तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू आएगा और प्लस और माइनस आएगा, ये याद रखना आप, राइट। बिकॉज टू अगर इस बाजू आएगा तो रूट टू हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो एक बार प्लस रूट टू आएगा और एक माइनस रूट टू आएगा, तो दिस इज योर टू रिमेंबर, राइट। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस पर आपको अच्छी तरह समझ पड़ेगा, राइट। तो देयरफॉर यह कंक्लूजन लिख दिए, A is equal to 1 and B is equal to plus or minus root 2. This is your answer. I hope you understood. Okay? Dekh lijiye. Next sum. Okay, students. Question number 4. If two zeros of the polynomial x4 minus 6x cube plus minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus or minus root 3. यहाँ पे ऑलरेडी जीरोस दिया हुआ है, राइट। और ये सम हम लोग ऑलरेडी 2.3 में कर चुके हैं, रूट टू माइनस रूट टू वाला। वैसे ये देखिए, द जीरोस आर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, राइट। अब इसे अंदर लेके आए तो एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसे सेम टू सेम करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2, राइट, ये हो गया माइनस रूट 3 एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3, देखिए ये वाला बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए इज इक्वल टू 0, ये बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज ए दिस इज बी, दिस इज ए दिस इज बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या करना है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा और माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस वे यू टू इसको एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर और ये हो जाएगा माइनस थ्री, क्योंकि इसका तो थ्री का प्लस थ्री रहेगा लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा, दिस वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, दिस इज अवर जी ऑफ एक्स, राइट। हमको जिससे हमको इसे डिवाइड करना है, राइट। सो दिस इज नाउ डिवाइडिंग
p of x, right, we get x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. किससे डिवाइड करना है सर? इससे डिवाइड करना है, x square minus 4x plus 1. बरोबर, आराम से करो आप, ऑलरेडी हम कर चुके हैं. क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है. लेट अस कंपेयर. यहां पे स्क्वायर है, यहां पे 4 है, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट x4 minus 4x cube plus x square, right? Minus plus minus कट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x cube, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस 6 है, या माइनस 26 माइनस है, सेम है, तो माइनस 27x square plus 138x minus 35, right? Now वापस इसके साथ कंपेयर करना है, x square है, x cube है, मतलब 1x ज्यादा है और माइनस 2, that is minus 2x, राइट right? तो माइनस 2x से लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2x, राइट? देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, क्योंकि ये तो टर्मिनेट करना है, एलिमिनेशन करना है हमको. अब माइनस 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 35x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस, हो गया ना 138 प्लस 2 140x माइनस 35. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर सेम है, खाली माइनस 35 नहीं है, डाल दीजिए माइनस 35, दिस विल गिव माइनस 35 एक्स स्क्वायर. 35 इंटू 4, 4 फाइव ज़ा 20, 2 फोर थ्री ज़ा 12, 14, बरोबर, दैट इज बरोबर परफेक्ट क्या रहा है, प्लस 140x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 35, राइट? ये देखिए प्लस माइनस प्लस, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, जीरो आ गया, राइट? दिस इज द थिंग. तो दैट मीन्स जीरो, ये क्या है, देयर फॉर क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, राइट? अब इसे भी हमको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करना हो तो क्या करना है, क्यू एफ एक्स इक्वल टू जीरो ले लीजिए, क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो. अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, 7 फाइव जा 35, 7 में से 5 गया तो 2, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 7 x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 7 x इक्वल और x इक्वल टू माइनस 5, दिस इज योर आंसर. Understood all of them? ये हमारे जीरो से, therefore the zeros are 7 and minus 5. Okay, got it? Copy कर लो. Okay students, हमारा last sum. If the polynomial x4 minus 6x cube 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial, that is x square minus 2x plus k दिया है, number नहीं दिया है, then the remainder comes to be x plus a, right? तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, right? तो यहाँ पे यार पहले डिवाइड कर लेते हैं, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 सपोज, और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k ले लेते हैं, राइट? लेट अस सी, पहला टर्म ही कंपेयर करना है हमको. x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज x4 हो जाएगा, x4 माइनस ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर. ओके, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है. माइनस प्लस माइनस, ये तो कट हो गया, ये भी दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस सिक्स प्लस टू, दैट इज माइनस फोर एक्स क्यूब, राइट? यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम है, यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये ऐसा ही लिखिए, राइट? इसे हम लोग किसी और की तरफ भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, राइट? क्योंकि देखो 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, और बाकी का जो है वैसे ही लिख दीजिए 25x प्लस 10. नेक्स्ट, इससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब एक x ऐड करने का, और माइनस 4, तो माइनस 4x ले लीजिए, माइनस 4x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4kx, राइट? चलिए ये भी देख लेते हैं, माइनस प्लस, ये तो कट हो गया, यहाँ पे वापस प्रॉब्लम है, देखिए 16 एक्स स्क्वायर
माइनस के एक्स स्क्वायर और ये वापस माइनस एट एक्स स्क्वायर इसमें ऐड हुआ, राइट, ये ऐड हुआ ना माइनस एट एक्स स्क्वायर। अब बाकी का देखिए, माइनस 25x माइनस 25x प्लस 4kx इज इक्वल टू प्लस 10, ये हो गया, राइट। अब यहां पे ये देखिए, 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, राइट, 8x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 25 प्लस 4 दैट इज माइनस 25 प्लस, यहां पे x कॉमन ले लीजिए, प्लस 4k, राइट, प्लस 10, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये हम लोग को अभी ये नहीं चाहिए, राइट, अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको रब करके इसको, ये जो नंबर है इसको सॉल्व बार करना, राइट। तो अभी हम लोग ये निकाल देते हैं, ये कैसे आया बता देता हूँ, राइट, दिस यू विल गेट दिस वे। अब 8x स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है, नहीं, हमको क्या करना है, 8 माइनस के से कंपेयर करना है, दैट इज 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर करना है। तो देखिए, प्लस 8 माइनस के, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, राइट, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस दिस इज 8 माइनस के और 2x माइनस, नहीं, ये प्लस 2x, राइट, फिर और ये हो जाएगा 8 माइनस के और के, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब ये इसको सॉल्व करना है, इसको आराम से सॉल्व करते हैं, पहले 8 माइनस के एक्स स्क्वायर का, राइट, यहां ले लीजिए 8 एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 25x माइनस 4kx प्लस 10, राइट, नीचे अगर वैसे ही थोड़ा, अच्छा 8 माइनस ये के स्क्वायर तो जाना ही है, ये तो कट ही कर दो, ये जो करना है नीचे वाले में है, राइट, दैट इज ये जो आएगा इसका ये आएगा माइनस 8, तो माइनस 25x माइनस 4kx दिस विल गिव माइनस 8kx माइनस माइनस प्लस प्लस 2kx माइनस प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, राइट, दिस इज द थिंग। अब इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब माइनस 25 माइनस 4k एक्स प्लस 10, ये ऊपर है, नीचे क्या है देख लेते हैं, प्लस 8 माइनस के 2x प्लस 8 माइनस के और मल्टीप्लाइड बाय के, पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, ये ऊपर वाले को इक्वेशन वन समझते हैं, राइट, दिस विल गिव 16x 2kx दिस विल गिव 8k माइनस के स्क्वायर, ओके, राइट। अब ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे सर, 16x माइनस 2kx प्लस 8k, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 माइनस 2k 16x 16 माइनस 2k ब्रैकेट में x ले लेते हैं और ये प्लस 10 को हम इस तरह लेते हैं k 8 माइनस k, ये इसके साथ होगा, समझ पड़ा आपको, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये 1 यहाँ पे है और ये 2 है, ये दोनों को पहले हमको क्या करना था, हमको एलिमिनेट करना था ना, तो प्लस हो गया, राइट, तो ये लिखे चलिए माइनस 25 माइनस 4k x माइनस 25x प्लस 4kx प्लस 16x माइनस 2kx, राइट, यहां पे प्लस 10 प्लस k 8 माइनस k, इसको ऐसा रखते हैं, राइट। अब यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, 25x और 16 मतलब माइनस 9x हो गया,
राइट, 4k और 2k मतलब क्या हो गया, प्लस 2kx हो गया, दैट मीन्स माइनस 9 प्लस 2kx ये हमको मिला है। और यहाँ पे कांस्टेंट में क्या मिला, k 8 माइनस k प्लस 10 राइट। अब दिस इज अवर रिमाइंडर r ऑफ x, बट r ऑफ x क्या दिया है, बट r ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस a, r ऑफ x क्या दिया है, x प्लस a दिया है। तो यहाँ पे x और x को कंपेयर करते हैं, x और x को कंपेयर करते हैं तो क्या कंपेयर हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, इधर माइनस 9 प्लस 2k इधर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 तो k इज इक्वल टू 5, मिल गया k इज इक्वल टू 5 राइट। अब ये k का वैल्यू हम क्या करेंगे, उसमें रखते हैं कांस्टेंट में। नाउ यहां पे लिखता हूं, नाउ k इज इक्वल टू 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a के साथ माइनस k 8 माइनस k प्लस 10 को कंपेयर करेंगे राइट। यार माइनस k 8 माइनस k प्लस 10 इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 8 माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू a, माइनस 5 3 प्लस 10 इज इक्वल टू a, माइनस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू a, a इज इक्वल टू माइनस 5 मिल गया राइट। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 5 एंड k इज इक्वल टू प्लस 5, दिस इज योर आंसर ओके राइट। तो यहाँ पे जरा जरा ध्यान से देख लेना, यहाँ पे ये माइनस है तो आपको ये माइनस प्रूव करना था राइट। तो यहाँ पे माइनस जरा अगर नहीं आएगा तो इसका एक आंसर नहीं आएगा, तो यू हैव टू डू दिस वे राइट, माइनस वाला। तो प्लीज एक एक साइन का आपको ध्यान रखना है, कहीं भी एक साइन का मिस्टेक होगा आपका आंसर चेंज हो जाएगा ओके। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द सम्स राइट। और ये प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा एक्सपर्ट बन जाएंगे ओके। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सरसाइज ओके। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट चैप्टर वट एवर वी आर डूइंग राइट। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।